शुद्ध लकड़ी का और देसी चूल्हा जो होता है उस पर बन रहा है, तो इसका एक अलग ही मज़ा होता है खाने का। है वो कम्प्लीटली तैयार हो ही चुका है, तो धनिया पत्ता डाला जा चुका है। कैसा लग रहा है रमेश जी? तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज हम हैं चकाई में और कंचन वर्मा जी के घर में हैं, जहाँ पर एक छोटा सा पार्टी हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। ये पार्टी जो है वो बतख का है। किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बतख बनाया है, मतलब बन रहा है, इसको दिखाएंगे। पूर्ण रूप से देसी तरीके से यहाँ पर बतख को बनाया जा रहा है। और हमारे बनाने वाले जो हैं मुकेश शबीला, बिक्की और कंचन वर्मा जी, ये तीनों ने काफ़ी मेहनत करी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि पूरी तरीके से देहाती मूड में हम लोग आज बतख बनाने वाले हैं। कच्चा मांस है और उधर जो है प्याज लहसुन जो कि खड़ा है, ये उसको भुना जा रहा है। और ये हैं मुकेश शबीला जी। आज हम लोग पार्टी कर रहे हैं, वो भी बतख का। ककाओ मुर्गा तो वो बराबर खाते हैं, लेकिन आज बतख खा के देखते हैं कितना एंजॉय लगता है इसको खाने में। साथ ही साथ आप लोगों को भी खिलाएंगे, वीडियो पे बने रहिए। और ये है कंचन वर्मा जी। हाँ, ये डॉक्टर, देखिए डॉक्टरी का काम कम ही करते हैं, खास करके हम लोग के साथ पार्टी ज़्यादा करते हैं। मुर्गा वर्गा बनाते बहुत अच्छा है, तो इनके हाथ का बना हुआ ही देखेंगे। हालाँकि इन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है, बताइए कुछ। शुरू से हम ही मेहनत कर रहे हैं, और कोई करिए नहीं रहा। बतख वतख छिलने में काफ़ी मेहनत लगा है, लेकिन वो सब वीडियो दिखाए नहीं, क्योंकि काटने वाटने में बड़ा डेंजरस। ये अभी बन रहा है, डेंजरस लगता है, लेकिन अब जो उसके बाद खिलाएंगे रहा है, तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। खड़ा लहसुन डाला गया है इसमें, काफ़ी टेस्टी होने वाला है। क्या कंचन जी, हम जो है एक प्रैक्टिशनर हैं, जो कि बतख को शौक से खाने के चक्कर में जो है पेशेंट को जो छोड़ के बना रहे हैं बतख। पेशेंट सही सलामत है ना? सही सलामत है, लेकिन जो टाइम दे दिए हैं, संभावना है। चलिए, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। जरूर 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 जरूर। तो अभी देखिए फिलहाल ये बन रहा है, और कुछ अलग तरीके से इसको बनाया जा रहा है, और खड़ा लहसुन इसमें दिया जा रहा है, तो इसका टेस्ट कुछ अलग होता है। और यहाँ पर मुकेश जी हैं, जो कि टमाटर कट कर रहे हैं। क्या मुकेश जी? थोड़ा सा स्वादिष्ट बने देखिए। और ये हैं कंचन जी, तो दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, हालांकि हल्दी नहीं पड़ा है तो कलरलेस लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पड़ जाएगा। और देखते रहिए। तो अब जो है इसका जो लुक है वो कुछ बेहतर दिख रहा है, हालांकि धुआं की वजह से आपको क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, लेकिन देखिए अब जो है काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। बहुत मज़ा आने वाला है खाने में। शुद्ध लकड़ी का और देसी चूल्हा जो होता है उस पर बन रहा है, तो इसका एक अलग ही मज़ा होता है खाने का। और ये है जीरा गोलकी गरम मसाला वगैरह, ये भी इसमें डाला जाएगा। कैसा लगेगा खाने में कंचन जी? खाने में इंटरेस्ट लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। नहीं देख, बनेगी देख के ही लग रहा है जिस तरह बना रहे हैं। कम्प्लीटली तैयार हो ही चुका है, इसमें धनिया पत्ता डाला जा चुका है।
फाइनली दोस्तों लगभग लगभग अब तैयार हो चुका है, अब सिर्फ इसको निकालने की देरी है। देखिए हम भी थोड़ा सा इसमें हाथ आजमाइश कर लिए। तो आइए और खाइए और टेस्ट कीजिए कि कैसा लग रहा है। आई होप कि ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा टेस्ट करके बताएंगे आप, और रियल टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसा लगा। फाइनली खाने के टाइम में एक और थोड़ा सा क्लिप लगा देंगे इसमें। और ये अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो शेयर और लाइक कर दीजिए, मोबाइल करना ना। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी देकर मस्त ग्रेवी सा बन गया है। कैसा लग रहा है रमेश जी? तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। अभी थोड़ा सा गर्म है लेकिन बनाया ज़बरदस्त गया है। और ये जो देसी स्टाइल में जो बनाया गया है ना, वो वाकई में बहुत मज़ा आने वाला, मतलब मज़ा आ गया खाने में, क्योंकि